हेलो गाइस, माई सेल्फ योगिन शर्मा अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। और जैसा कि जानते हैं, परफेक्ट परफेक्ट का मतलब बिल्कुल निपुण हो जाना, बिल्कुल सीख जाना किसी चीज़ को, परफेक्ट हो जाना। तो ये परफेक्ट ही तो है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल कार्य पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इसकी पहचान देख लेते हैं हम। ये जो टेंस होता है, इस टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उनकी जो वर्ब होती है उसके अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, या ये कहें शॉर्ट में कि या है, यी है और ये है आदि शब्द होते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे उसने कार्य कर लिया है तो या आ गया, या फिर लिया है मान लीजिए आप, हैं, या वह कार्य कर चुका है। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। अब इनके यूज कैसे यूज होते हैं? तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, और किसी प्लूरल नंबर का है, बहुवचनकर्ता का है, सब्जेक्ट का है, तो उसके साथ हम हैव लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या किसी सिंगुलर नंबर का है, एकवचन का है, तो उसके साथ हम हैज लगाते हैं। और परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसमें यदि आ जाता है अभी तक, तो अभी तक के लिए येट या स्टिल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल हैं, हाँ, एक बार पढ़ने के बाद में, एक बार समझने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है इनको अप्लाई करने में। अब एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस वही सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो स्ट्रक्चर हमने पहले से ही लिख दिया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, एंड देन अदर वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फीस जमा कर दी है, मीन्स मैं अपनी फीस जमा कर चुका हूं। एक ही बात है, कर दी है या कर चुका हूं, केवल सोचना है, केवल सेंस लगाना है। और देखिए वर्ब क्या है, कंप्लीट है, जमा कर दी है, पूरा हो गया, जमा कर चुका हूं। हाँ, अब सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव लगाते हैं। आई के साथ हैव लगाते हैं, आई और हेल्पिंग वर्ब हैव, और फिर जमा करना, जमा करने की इंग्लिश क्या होती है? डिपॉजिट। और डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म होती है डिपॉजिटेड। हाँ, तो आई हैव डिपॉजिटेड अपनी फीस। आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? माई। कई बार मैं देखता हूँ कि अपने की अंग्रेजी जैसे आई के साथ माई होती है, तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो उसको मैं एक यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ कि आई के साथ तो होती है माई, वी के साथ होती है अवर, ही के साथ होती है हिज, सी के साथ होती है हर, दे के साथ देयर, यू के साथ योर। और ये देखिए, ये जो होता है ये जेंडर के आधार पर, यदि किसी पुरुष का नाम है, कोई मेल है, तो उसके साथ भी हिज आएगी, या कोई स्त्री है, फीमेल है, तो उसके साथ हर आएगी। और यहाँ पर कोई प्लूरल नंबर है, जैसे बहुत सारे होते हैं दे के साथ देयर, तो प्लूरल में भी इसके साथ देयर आएगा, यू के साथ योर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने बताया कि आई के साथ, इसलिए माई आई। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में सीधा सा फंडा है, हाँ, या तो हैव के बाद में नॉट लगता है, या फिर यदि होता है कभी नहीं तो क्या लग जाता है? नेवर भी लग जाता है। हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर नॉट या नेवर यदि जो भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अन्य शब्द होते हैं। जैसे कि हमने यह कार किराए पर ली है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, किराए पर नहीं ली है। हाँ, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया क्या? वी। और वी के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आई? हैव। वी हैव नॉट, नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म किराए पर लेना, किराए पर लेने का मतलब होता है हायर, और थर्ड फॉर्म हो गई हायर्ड। वी हैव नॉट हायर्ड यह कार, दिस कार, हमने यह कार किराए पर नहीं ली है। सो आफ्टर नेगेटिव वी मूव टूवर्ड्स इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव वही दो प्रकार के हर टेंस में बताते आए हैं पीछे से, हाँ, अब तक छह पढ़ा दिए, सातवां है, हाँ। तो फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से और हिंदी में क्या से शुरू होते हैं,
तो क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाते हैं, इसका ध्यान रखना होता है। हाँ, तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। क्यों क्यों आएगी, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है ये, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। हाँ, तो रेलगाड़ी सिंगुलर नंबर का, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज लगा दिया, हैज। सब्जेक्ट लगाया द ट्रेन, हैज द ट्रेन। उसके बाद में वर्ब आ जाना, हाँ, आने, आ जाने की अंग्रेजी होती है अराइव, आप पहुंचना, तो हैज द ट्रेन अराइव्ड और स्टेशन पर, एट द स्टेशन, हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। और इसमें एक बात और बता दूं, पिछले टेंसेस में बताया, बताता हुआ आया हूं, कि यदि ऐसा सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, जैसे क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आ चुकी है, तो हैज द ट्रेन, तो नॉट हम कहां लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि हमको नेगेटिव बनाना है, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उसमें नॉट जो लगाते हैं वो कहां लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। इसके बाद हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे, एंड एट लास्ट यू विल हैव क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ द एग्जाम्पल इज, अध्यापक ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया है। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी लगेगी, व्हाट। उसके बाद में देखिए, ये समझ रही है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है, मैथ में नहीं लगाते हैं आप, मैथ में भी तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना, हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ही तो, आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपका सम होगा आप उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, हाँ, तो ऐसे ही तो है, ये फॉर्मूला ही तो है, स्ट्रक्चर ही तो है। अब इसके अकॉर्डिंग आप रखते चलिए, क्वेश्चन वर्ड रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दी, फिर क्या, सब्जेक्ट अध्यापक द टीचर, उसके बाद में वर्ब पढ़ाना, टीच और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या, तुम्हें, अध्यापक ने तुम्हें, और फिर आज और बचा तो टॉट यू टुडे, आज क्या पढ़ाया है, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो ये हुए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, हाँ, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि सेकंड टाइप में केवल क्वेश्चन वर्ड और शुरू में आ जाता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है कि इसमें भी का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है वैसे सिंस और फॉर का प्रयोग, लेकिन इसमें भी सिंस का और फॉर का प्रयोग हो जाता है। सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। और कैसे होता है, इस टेंस में उस घटना का जिक्र होता है, उसकी जानकारी दी जाती है कभी कभी, जो कि भूतकाल में पास्ट टेंस में शुरू हो लेकिन अभी भी दैट इज रनिंग, अभी भी चल रही है वो घटना, तो उसका भी जिक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 1980 से शहर में रहता आया हूँ, 1980 से शुरुआत हुई है और आज भी है, 1980 से शुरुआत हुई और आज भी है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगा दिया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, हैव बताई थी, तो हैव लगा दी। उसके बाद में वर्ब रहना, रहने की अंग्रेजी लिव होती है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिव्ड, और इस शहर में, इन दिस सिटी, अब ये समय हो गया और समय कैसा है, ये निश्चित समय है, डेफिनेट टाइम है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, निश्चित समय के लिए सिंस 1980, सिंस 1980, मैं 1980 से इस शहर में रहता आया हूँ। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे वह दो दिन से बीमार है, मीन्स दो दिन पहले बीमारी शुरू हुई, हाँ, तो ध्यान रखना होता है, तो क्या बनाएंगे इसको, ही
और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज हाँ, और इसमें हम बीन बीन क्यों लगाएंगे, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बीमार है, ही हैज बीन इल फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय दो दिन, फॉर टू डेज। ओके गाइस, तो ये बात मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ढंग से सुनी होगी, समझी होगी, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आगे आपको जो पढ़ना है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।